तो जी प्यारे बहन भाइयों, काफ़ी कमेंट्स जो हैं वो हमें मौसूल हुए कॉल्स पर भी कि अहमद भाई और सबा भाभी आप जो हैं ये घर क्यों छोड़ रहे हैं। तो आज हम आपको सारी हकीकत बताते हैं कि असल वजह क्या है और कुछ वजूहात आपके साथ हम शेयर करेंगे, कुछ हमारी पर्सनल हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते जी। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है तो सारी हकीकत का आपको पता चल जाएगा कि हम ये घर क्यों छोड़ रहे हैं और देखें आज छोड़ जाएँ या कल छोड़ जाएँ। हाँ जी, ये हमारा घर जो है ना ये गाड़ियों का गिराज बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम कैरवन भाई, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं, कहती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहां भी रहे खुश रहे आबाद रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ठीक है, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो सब बहन भाइयों को मेरी तरह से सुबह की गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज हम टाइम से उठ गए और मौसम जो है वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह से प्यारा प्यारा बना हुआ है। बादल जो है वो आ चुके हैं और बारिश जो है वो हल्की फुल्की जो है वो रिमझिम जो है वो हो रही है और हवा भी ठंडी ठंडी जा रही है। और मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि जो हमने रात चावल बनाए थे वो थोड़े से बचे हुए थे, लेकिन अहमद ने कहा अभी हम रोटी खाएंगे, उसमें से हमने थोड़ा सा सालन निकाल लिया था। हाँ जी, जो रात हमने चावल बनाए थे पहले थोड़ा सा सालन निकाला था, अभी ये आटा गूंद रही है, साथ में चाय बना रही है, साथ में फिर सालन होगी, रोटी होगी तो नाश्ता होगा। और माशाल्लाह रहमत बरस रही है अल्लाह पाक की तरफ से, हल्की फुल्की सी जो है ना मौसम इतनी प्यारा मरी का बना हुआ है ना, यकीन माने ऐसे बाहर ना ठंड लग रही है और हल्की फुल्की सी जो है वो बारिश हो रही है अभी, तो तकरीबन जो है ना ये ज़्यादा भी हो सकती है। अभी मौसम आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है और अंधेरे में देखें कि कोई चीज़ इतनी साफ नज़र नहीं आ रही, टोटल जो है ना वो ऊपर गर्दिश सी बन गई है बिल्कुल। चलें, बारिश आती है तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। और गोलू मोलू को ये कैसे उठाया हुआ है यार, ऐसे नहीं उठाते यार, ढाक पे अभी उठाने का टाइम नहीं है। कैसे हो शहजादा, कैसा है? ठीक हो? ठीक हो? हाँ सदके, चलो ले जाओ। हौले हौले आटा गुंदी रहती है, सानू ते रोटी खवांदी रहती है, इश्क दे विच मर गई है, अहमद नू आलू देंदी रहंदी है। नहीं आलू और की खाना मुझे बताओ ना। नहीं वही सालन खाना है ना जो रात निकाला है। अच्छा, हाँ जी, टेस्टी बना हुआ था। मुसीबत आते मर देते पहली रहनिया कदियो। क्या होता है कदी ओ फिर महसूस नहीं कर दे, क्योंकि उन्हों का दिल बड़ा वड्डा होता है। पहले पूरा याद कर लेना सी ना आपने। अच्छा हाँ, फिर जो है ना आपने कहना था। ठीक हो गया, आटा गूंदा चुप करके। आप ठंडा मौसम है, नींद आ रही है। हाँ, ये खुद को नींद आ रही है। अच्छा रात पता भी नहीं चला, जल्दी नींद आ रही है ना। हाँ जी, वो खाली है पता नहीं, रात थोड़ा थोड़ा जल रहा था, पता नहीं अब। यार थोड़ा बहुत तो जलेगा ना, उसको छिनकाओ, वो बाहर रखा रहा है, क्या पता वो जम गया हो। अल्लाह, सर्दी थी क्या? तो फिर क्या हुआ है, उसको हिलाओ, देखो देखो कुछ नहीं। सबा जल्दी जल्दी आई, इसको ऑफ किया बिल्कुल बंद करके, फिर आके इधर चलाने लग गई। यार क्या मसला है आपको, मुझे डरा दिया सुबह सुबह। अभी एक दो कुनियों का गैस पड़ा है, अभी एक दो रेसिपीज आप इस पे बना सकती हैं। अच्छा हाँ जी, हसन जाने के देखो मुझे फिर के जो है ना देख रहा है। हसन मम्मा शहजादे चरण जी अभी हमारी चाय बनना तैयार है, पहले तो हम इसको गर्म करेंगे, क्योंकि दूध जो है ना वो खट्टा हो जाता है।
तो फिर बाद में उबाला देके फिर बाद में जो है हम पत्ती और चीनी ऐड करेंगे। पहले इसकी हवा मारेंगे, उसके बाद जो है ना अगर ये सही हो गया ठीक है, अल्लाह करेगा सही होगा तो फिर चाय बनाएंगे। ओके आज इतनी थोड़ी सी चाय बनाई है अब्बू और मैं। बस मैं भी थोड़ी सी। ओके हो गया। अभी मुझे दे दो थोड़ी सी, मैं पी लूं। अभी रोटी खाओगे क्या? रोटी तो बाद में फिर देखेंगे 12-1 बजे। ठीक है देती हूं, अभी देती हूं। ये अभी इसलिए आपसे पकवा रहे हैं क्योंकि बाद में क्या पता फिर ना पका के दो, इसलिए मैंने सोचा अभी से जल्दी जल्दी नाश्ता बनवा लूं। अच्छा। फिर तसल्ली तो होगी कि नाश्ता रखा है, फिर जब दिल करेगा खा लूंगा। नहीं खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है, जैसी आप कर रही हो। अच्छा, आप कहती हो ना गर्मी बहुत है, मत माफ करो, तो इसलिए फिर मैं चले। अभी बन जाएगा ना, तवा गर्म हो रहा है तो चाय थोड़ी सी दे दो, मुझे अच्छी लग रही है, बस काफी है, बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे अभी मैंने कहा ना चाय दे दो, आपने कहा रोटी नहीं खानी, मतलब के वो बातें आ जाती है ना। अहमद मैंने इसलिए कि आपको पता है ना चाय पिए फिर मैं दोपहर को कहूँ ना रोटी, तो आप कहती हो अहमद शाम को नहीं खाओगे क्या? आज तो, आपको याद है ना? नहीं कुछ भी याद नहीं है मुझे। आज इतवार है तो क्या होना है इतवार जो है, हमने जाना है, आज हमारा दिन है। चलो शाबाश, जल्दी से वीडियो बनाओ, शाम को तैयारी करो। ठीक है जी। हाँ जी, और वो ना एक न्यूट्रन मास्क ले दो। अच्छा ये अपना तो है, इसमें से चाय गिरती रहती है नीचे। अच्छा वो नया नहीं लेना, वो दूसरा जो फटा है वो किधर है? वो मतलब के भाई मोहियुद्दीन वालों का था। अच्छा। उसमें हमने शीशा डाला था। अच्छा। वो शीशा हमारा टूट गया, वो जो उसका ऊपर वाला कवर था वो मैंने उनको दे। तो ये भी बन जाएगा, ये अगले दिन आया हुआ था तो वो डलवा लेते, इसका शीशा डल जाता है इसका। अच्छा शीशा नवा है, न्यू हाँ, है। हाँ। इसका कवर खराब हो गया, लीक हो गया, तो कवर भी डल जाएगा। ठीक है हो गया। तो जी काफ़ी जो है वो बहन भाई कहते हैं अहमद भाई ये आप इतना प्यारा घर क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? तो जी देखें वजह, वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक वजह बता देता हूँ कि ये हमारा घर जो है ना ये गाड़ियों का गिराज बन चुका है। अभी देखें कि कितना अच्छा हुआ है, और मार्बल की इतनी गंदी हालत हो गई है, इतनी ये रगड़ें और ये सारी चीज़ें, बाइक्स जो हैं वो यहाँ तक खड़ी की जाती हैं, मोटरसाइकिल यहाँ तक, और कारें, रक्षा सारा, मतलब पूरा हमारा घर ना रास्ता नहीं होता रात के टाइम ना, और अभी सुबह उठे तो फिर भी रास्ता नहीं होता। हमारा पूरा घर जो है ना ये बन चुका है गिराज। तो हमने कहा चलें ये जो है ना हम छोड़ देते हैं ये गाड़ियों के, ये गाड़ियों के गिराज के लिए छोड़ देते हैं, बाकी हम जो है ना वो रहने के लिए कोई और घर जो है ना वो कच्चा सा छोटा सा जो है ना हम ले लेते हैं। कैसे सबा? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो इसको रोज़ धोना पड़ता है गाड़ियों की वजह से, क्योंकि वो बाहर से जो मिट्टी या वो कीचड़ वगैरह होती है वो गाड़ियों के साथ अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से फर्श जो है ना ये वाला इसकी शाइनिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हाँ जी, तो अब बंदा रोज़ रोज़ तो पॉलिश नहीं करवाता, साफ ज़ाहिर है 15-20 हज़ार रुपये जो है वो पॉलिश पे लग जाते हैं। अब एक दिन लगवाएंगे, दूसरे दिन फिर वो सारा कीचड़ और रगड़े और सारी इस तरह से वो फिर वही हाल हो जाता है। तो इस वजह से भी हम थोड़े परेशान हैं, तो हम किसी को रोकते तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम ये घर जो है वो उनके हवाले कर देंगे, चले वो अपनी गाड़ियाँ वगैरह सब जो है वो। हाँ जी, ना किसी को रोक सकते और ना खुद रह सकते हैं। हाँ जी, और किसी को रोकें ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम जो है ना वो कहीं और छोटी सी जगह लेके ना वहाँ पे जो है ना हम वो कर लेंगे, अपना बसेरा कर लेंगे। हाँ जी। अभी कितनी रोटियाँ बन गई हैं? 3-4 हैं। अच्छा। मैंने ना 2-3 दूध के। अच्छा। जबकि ये मेरी गाड़ी है ना, अब ये मजबूरी बतौर मैंने इधर खड़ी, क्योंकि इधर गाड़ी होती है, इस साइड पे रक्षा होता है, इस साइड पे बाइक होते हैं, इस साइड पे बाइक होते हैं, मतलब पूरा घर जो है ना वो बिल्कुल रास्ता भी ब्लॉक होता है। अब मेरी ये छोटी सी गाड़ी है,
ये उधर भी खड़ी हो सकती है, उधर सिर्फ ये नमाज रूम से भी पीछे इधर तक जो है खड़ी हो जाती है। ऊपर जो है वो मैं अपना शेड बनवा लूँ, मेरी गाड़ी जो है ना वो सुकून से यहाँ पे एक जगह पे खड़ी रहेगी, बाकी पूरा जो हमारा सहन है ना वो पूरा खाली का खाली पड़ा रहे। बंदा अच्छे से जो है वो सफाई कर लेता है, अच्छे से जो है उसके मिसाल जब खाली था ना, यकीन जाने मैं 3 दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है वो पोछा लगा लेता था। ऐसे ना सबा हर टाइम कहते थे अहमद पोछा उठा के, तो शाइनिंग भी कितनी थी फिर हर टाइम में, थोड़ी थोड़ी सी मतलब यहाँ पे ना हम जूता वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे, अभी हम जूता ना इस्तेमाल करें तो पैरों पे मिट्टी जम जाती है, सारी मिट्टी होती है। तो जब ये खाली होता था फिर मैं सारा दिन अपना पोछा वगैरह लगाता रहता था, सफाई जो है वो रखता था। अब कैसे लगाए हर जगह पे तो राशि राशि होता है, रात को गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं होता, 2-3 बाइक वहाँ पे होती है, अबू चार पे गेट के सामने डालता है, यहाँ पे हमारी गाड़ी होती है, उधर रिक्शा होता है, वहाँ पे असलम भाई की गाड़ी, बिल्कुल रास्ता भी नहीं होता गुजरने के लिए। हाँ जी, और अगर बारिश आ जाए, लाइट एक लाइट चली जाए ना, तो हमारे बाहर जो है वो सोने के लिए जगह नहीं होती, हम कोई चारपाई डाल लें फिर हवा बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि सारा तो आगे गाड़ी खड़ी होती है, तो कैसे वो मतलब झिमके मार रहे हैं, लाइट चली गई है, ये क्या है, वो फ्रिज के ऊपर वाला फ्रिज चल रही है बंद कर दो, झिमके लगा रहा है। बेबो जाने जी माशाल्लाह खाना खा रहा है, क्योंकि बच्चों को तो भूख लगती है ना, सबा ने भी नहीं छोड़ा, फिर भी 8-10 निवाले खा लिए, अब पानी पी लिया तो पेट फुल, ऐसे ना। हाँ जी। मैं तो सुबह जब से उठा हूँ ना पानी पी पी के, पता नहीं वो रात वाले चावल जो खाए थे ना सुबह, वही शायद ना वो गैस कर गए हैं मुझे, हाँ मैदे का गैस का मसला बन गया, अब गैस का मसला हल होगा। तो आज तो तेरी बूटियाँ अच्छी नहीं हो गई, फूल भी उगाए हुए हैं आज, ये तो आज थोड़े रोजाना होते हैं 10-15 रोजाना, मुझे तो नजर नहीं आते, धूप में मर नहीं जाते, नहीं धूप में तो होते हैं, अच्छा तो गौर नहीं करते होते, इसी वजह से माशाल्लाह से रोजाना फूल उगाए होते हैं। बड़ी बात है। अच्छा क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, अब खाना नहीं खाना मतलब, जी नहीं खाना, हजम करना है जी, बोला तो है पहले मेरा गैस का मसला हल हो जाए, गैस जो है ना रात की बनी हुई है, मेरा पेट जो है ना फूका हुआ है, बोतल हवा, पहले मैं अपने पेट की हवा मारूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह रोटी खाऊंगा। अहमद बोतल ले आओ, बोतल नहीं यार, वो पैसे पहले भी देने हैं, आपके पास पैसे पड़े थे सबा, किस चीज के, वो 10,000 पड़ा था, नहीं है, मुझे आज याद आया, दे दो ना, अल्लाह की मेरे पास नहीं है, वो मैंने उधर भिजवा दिया किसी काम के लिए ना, वो आपको बताया तो था, अभी भी वो उसमें से खुटते हैं, कुछ बनवाने के लिए दिया था, तो थोड़ी सी हेल्प करवा दो दीदी की। क्या पहले बताओ आप कर क्या रही हो, फिर जंजीरी बनवा रही हूँ, जंजीरी तो, हाँ। वो कहाँ पहनोगी, गले में, अच्छा तो उससे थोड़े से पैसे, तो ये पान तो आपने नहीं वो करना ना, क्या करना, पान तो फिर उतार देना है, तो ये पान बेच देती बस, यही तो कहा है, अम्मी जो है आंखें दिखा रही है, कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मेरी अम्मी, हाँ अम्मी और अब्बू की निशानी है ना, वो कहती है ये निशानियां नहीं बेचो, अच्छा हाँ जी, तो इसी वजह से मैंने कहा, पता है क्या है, एक चीज आप देखें कि ये पान तो पहनेगी नहीं ना, ये पान पहनेगी नहीं, तो फिर इसको बेच के फिर और जंजीरी अच्छे वाली आप ज्यादा पैसों वाली बनवा लेती, मतलब इसकी जगह पूरी आप जंजीरी बनवा लेती, आपको उसका शौक है, फिर जंजीरी का शौक खत्म होता है, वो जंजीरी आप बेच दो, जो चीज लेनी है वो ले लो, मतलब इस तरह से बंदा करता है, ऐसे करो, ये जो जा रहे हैं उनको दे दो, कौन जा रहे हैं, हाँ ऐसा, ये बिकेगा कितने आपका अंदाजा, अच्छे पैसे से बिक जाएगा इंशाल्लाह, ये है कितने मासे, कितने मासे का, 1.5 मासा, वो तोला कितने का होता है, 1,000 मासे का, हाँ 1,000 मासे का तोला हो, और ये है 2.5 लाख रुपए तोला है सोना, अच्छा तो ये तोले का तो नहीं, मतलब जो मैंने जो जंजीरी बनवाने के लिए, एक मासे की बनती है 20,000 की, मेरे पास 12,000 है, अच्छा एक मासे की बनती है 20,000 की, और ये है 1.5 मासे का, फिर ये तो 30,000 का बिकेगा ऐसे, चलो सही हो गया, ये मतलब पता तो नहीं है ना, फिर जो है ना ये, और कोई चीज नहीं है जो आप ना पहनती हो ऐसे रखी हो, वो अंगूठी, सबा को मैंने एनिवर्सरी पे अंगूठी गिफ्ट की थी सोने की, वो उस टाइम बनी थी 31,000 की, तो अब वो शायद महंगी बिकेगी, वो पान अगर वो नहीं बेचो तो,
उसी के पास बिकेगी। आपको कहा तो है वो चलो मेरे साथ बिचवाओ, फिर जो है ना मैं पैसे बुक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। चलो ठीक है, बेच आते हैं फिर। वो रखी है ना? हाँ। ठीक हो गया, ये तो अच्छा काम हो। फिर वो तो आपकी निशानी है ना? नहीं, मेरी निशानी, मैं कौन सा अभी जिंदा हूँ। निशानी उसको कहा जाता है जो कि ये यार मेरे वो दादा की निशानी थी। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। मतलब कि आपने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। हाँ, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, ये ना हो तो मैं खुद जा, तुम अपनी मर्जी से बेचो फिर तो है। मैं खुद ही कह रहा हूँ, जब खुद मैं खुद बिकवाने जाऊंगा। ठीक है, वो वाले आप ये जो अंगूठी है ना वो वाली बेच देते हैं, उसकी जगह आप जो फिर बनवा लो। सही। हाँ, ये है आपने, मतलब वो थोड़े से पैसे बचा लेंगे। नहीं, मतलब उधर से रेट पूछेंगे। हाँ, जितने की जंजीरी बनेगी उतनी भेजेंगे, फिर जो जो बच्चे का वो आप ले लेना। ओके सही। और ये देखे मेरे पैर पे सोया हुआ है। नाराज हो रहे हो? नाराज हो रहा है, इसे उठा लो यार। वो गुस्सा है, इसको बड़ा गुस्सा है बाप की तरह। अब देखना हंसेगा। हसन अच्छा, फिर मैं सोच रही हूँ आज मौसम भी ठंडा है, फिर जो है ना जो चीजें लेनी है, मेरी जूती भी लेनी है, तो फिर चलते हैं, वो चीजें भी लेते हैं, जूती भी लेते हैं, अंगूठी भी बेच देते हैं। अच्छा, देखता हूँ। आपने जो है आपने पेट का गैस जो है वो हल्का करना है, फिर जो अंगूठी के पैसे होंगे उसमें से बोतल भी आपको पिलाऊंगी। ठीक है, सच्ची जूस भी पिलाऊंगी। जूस भी पिलाऊंगी। चलो ठीक हो गया, थैंक यू। चलो जल्दी से बिचवाओ। बहन भाई कहेंगे कि ये अपनी अंगूठी बेचने के लिए कितनी खुश हो रही है, क्योंकि जरूरत है ना इसकी वजह से। हाँ जी, कोई शौक से तो नहीं बेचता ना, मतलब वो रखी हुई है, एक चीज रखी हुई है तो वो साफ जहर है। बंदा कोई हमारे, मैं कोशिश करता हूँ वो चीज नहीं रखता जो घर में काम ना आती हो, एक महीना भी। हाँ, तो फिर जो है मतलब ना, इस्तेमाल तो होती है, जो मेरी अंगूठी है ना वो इस्तेमाल शुदा होती है, लेकिन वो इसीलिए मैं नहीं पहनती, मतलब कि वो ना जाली नुमा बनी हुई है, वो कपड़ों में अड़ती है ना, फिर कपड़े भी फाड़ देती है। हाँ सही, इसी वजह से। सही है, तो फिर अच्छी बात है। चलो फिर उठो जल्दी से बेचने। हाँ जी, तो चलें जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, सब बहन भाई अल्लाह हाफिज़। गर्मी हो गई, आ जाए। आपने कहा ठंडा मौसम है, आप गर्मी हो गई। नहीं, मैं भाप पे बैठ, मैं आग पे बैठ रही हूँ ना, इसी वजह से।